हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे कैरियर सेक्शन में तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर सीनियर रिसर्च फेलो एंड टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। अब इस नोटिफिकेशन की कुछ अच्छी बातें और कुछ ख़राब बातें। अच्छी बात ये है कि ये नोटिफिकेशन आपका डिप्लोमा में हर एक ब्रांच के लिए, मतलब डिप्लोमा आपने किसी भी ब्रांच में किया हो आप यहाँ पे एलिजिबल है। डायरेक्ट मैं आपको नोटिफिकेशन के रूप में ले चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। और अच्छी बात एक और है, यहाँ पर आपको जो अप्लाई करना है आपको अप्लाई करना है ईमेल के थ्रू, आपको कहीं कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। आपको सिंपल से जाना है इस ईमेल आईडी पे, दिख रहा है इस ईमेल आईडी पे 10 मई से पहले आपको अपना रिज्यूम, सीवी या फिर जो भी आपका रहेगा बायोडाटा, इसको सेंड कर देना है। अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डिटेल्स मांगा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे डिटेल्स जो भी आपका यहाँ पे नेसेसरी रहेगा आपके केस में एलिजिबल है, वो सारा डिटेल्स आपको उसमें अटैच करना है और आपको सेंड कर देना है उस ईमेल आईडी पे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है, बताया गया है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब आपका नाम लिखना है, अंडर स्कोर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो पोस्ट का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना रहेगा सब्जेक्ट में जब आप ईमेल भेजेंगे तब। अब बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन से लोग एलिजिबल है और यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है ये आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ख़राब बातें भी, ये वैकेंसी आपका जो है परमानेंट नहीं है, आपका प्रोजेक्ट बेसिस पे यानी कि टेम्प्रेरी बेसिस पे, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, द पोस्ट आर प्योरली टेम्प्रेरी फॉर द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ओनली। अब यहाँ पे कौन लोग एलिजिबल है, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको 3 इयर्स डिप्लोमा हर एक कोई एलिजिबल है, साथ ही साथ बीएससी अगर आपने किया हुआ साइंस के किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, दोनों ही लोग यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर कोई बीएससी किया तो उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं साइंस में किसी भी स्ट्रीम में, और अगर कोई डिप्लोमा किया किसी भी ब्रांच में तो यहाँ पे एलिजिबल है। अब अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको जैसे मैंने प्रोसेस बताया ईमेल कर देना है, 20,000 आपको सैलरी मिल जाएगा टेक्निकल असिस्टेंट को। ऊपर वाला जो पोस्ट है उसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का और मास्टर्स डिग्री बोला गया, इसलिए उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। नीचे वाले में एज लिमिट में कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। अगर आप एलिजिबल है, आपके घर के आसपास का लोकेशन का है, ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, आपको एक जगह से एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आपको किसी जगह पे ज़रूर यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।